सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। कांग्रेस के समय में जो महंगाई डायन हुआ करती थी वो आज डार्लिंग कैसे हो गई। आज हमारे देश में तेल खाने का हो या गाड़ी में डलाने का, हमारे देश में तेल भी आज किलो के बजाय पौवा में खरीदा जा रहा है। सन 2008 की वैश्विक आर्थिक मंदी में भी जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का दाम $145 प्रति बैरल पहुंच गया था, उस वक्त भी मनमोहन सिंह जी ने देश में पेट्रोल और डीजल का दाम नहीं बढ़ने दिया। वर्ष 2013 में जब कच्चे तेल का दाम $110 प्रति बैरल चल रहा था, तब भी मनमोहन सिंह जी ने देश में पेट्रोल और डीजल के दाम पर नियंत्रण रखा। उस वक्त भी हमारे देश में 63 का पेट्रोल और 50 रुपए प्रति लीटर का डीजल उपलब्ध था। परंतु आज 2021 में जब कच्चे तेल का दाम $67 प्रति बैरल चल रहा है, तो भी हमारे देश में पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। वर्ष 2015 से ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दामों में भारी गिरावट आई है, परंतु इसका फायदा मोदी सरकार ने देशवासियों को कभी भी नहीं होने दिया। साथियों, मोदी सरकार जब सत्ता में आई तो जो सबसे पहला काम उन्होंने किया वो था डीजल को डीरेगुलराइज करने का। मतलब पहले अंतरराष्ट्रीय बाजार के अकॉर्डिंग अगर पेट्रोल का दाम बढ़ता भी था तो भी डीजल के दाम पर नियंत्रण रहता था। मतलब कांग्रेस की सरकार इस बात को समझती थी कि डीजल हमारी जो इकोनॉमी है उसका ईंधन है, हमारी जो इकोनॉमी है वो डीजल पे चलती है, सारा ट्रांसपोर्टेशन डीजल पे चलता है, और डीजल यदि महंगा हुआ तो प्रत्येक वस्तु के दाम बढ़ाए जाएंगे। परंतु मोदी सरकार ने कच्चे तेल की यानी क्रूड ऑयल की प्रोसेसिंग से जुड़े अपने व्यापारी दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए डीजल पे से वो नियंत्रण हटा दिया, डीजल को डीरेगुलराइज कर दिया। और डीजल को डीरेगुलराइज करने से ना केवल डीजल की कीमतें बढ़ी हैं, बल्कि प्रत्येक एसेंशियल कमोडिटी की कीमतें आसमान छू रही हैं। और साथियों, ये सब उस पार्टी द्वारा किया गया है जो कहते थे बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार। अब क्योंकि हम जानते हैं कि क्यों महंगाई बढ़ रही है, तो अब हम कहेंगे बहुत हुई महंगाई की बार, अब हम बदल के दिखाएंगे सरकार। जय हिंद, जय भारत।